स्वागत है सर, आप भिवानी में पहुंचे हैं, क्या कहना चाहिए सर, आज भिवानी पहुंचे हैं मजदूर संघ? ऐसे है, देखिए आज हमारी ये सजग भारत से ये संस्था है, मैं पहले तो इस संस्था को बधाई देना चाहूंगा भाई, जिन्होंने जो हमारे मजदूर जागरूकता सम्मेलन को लेकर इतना अच्छा कार्यक्रम किया है उसके लिए वो बधाई के पात्र है। कौन कौन सी योजनाएं जो प्रमुख है जी, जो आजकल मजदूर तक नहीं पहुंच पाती? मेरे ख्याल में ऐसी कोई भी योजना नहीं होगी जो हमारे, जो हमारा श्रमिक भाई हमारे पोर्टल पे जाके अप्लाई करता है, वह जिस भी योजना के लिए अप्लाई करता है हमारी सरकार वो उसको धरातल पर लाने का काम करती है और उसके खाते तक पहुंचाने का काम करती है। सरकार तो धरातल पर लाने का काम करती है लेकिन अधिकारी सरकार का सहयोग नहीं करते, मजदूर को बड़ा परेशान करते, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारी जितनी भी सेवाएं हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा, वे कोई भी कैश का हम रिवार्ड नहीं देते। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारी जितनी भी स्कीमें चल रही हैं वो पोर्टल के माध्यम से हैं, सभी ऑनलाइन हैं, आप अपना जो वर्क का एक्सपीरियंस आप साथ में वो लगाएं और किसी भी योजना के लिए अप्लाई आप करते हैं तो आपका वो, यदि किसी आपकी कोई कमी नहीं है तो ऑटोमेटिक अप्रूव होकर डायरेक्ट आपके खाते, एससी सेंटर वाले हमारे कुछ एक भाई हैं, मैं आपके माध्यम से उनको भी कहना चाहता हूँ, वे जो ये पैसा है ये हमारे श्रमिक भाइयों का पैसा है, आप भी अपने सही ईमानदार तरीके से उनका पोर्टल पे जाके उनका मार्गदर्शन करें और जिस भी चीज़ के लिए वो अप्लाई कर रहे हैं उसमें उनका सहयोग करें। उसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए अभी तक हमारे पास है ना इस बारे में कोई भी, हम ये आप जैसे लोगों के माध्यम से सुनते हैं लेकिन आज तक हमारे पास कोई भी किसी सीएससी सेंटर वाले की किसी ने हमारे पास शिकायत नहीं की। यदि ऐसी हमारे संज्ञान में ऐसी कोई बात आती है तो हम उस सीएससी सेंटर वाले के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का काम करेंगे। आज जो मजदूरों की कॉपी जो फ्री बनाई जा रही है सरकारी जो शुल्क होता है वो भी सरकार देख रही है? नहीं, हम सरकार जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारे जो प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री है नायब सैनी, वो हमारे श्रमिक भाइयों के हर प्रत्युत्तर से भली बातें की देता है क्योंकि पहले भी वो इस धर्म का मंत्री रह चुके हैं, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी योजना, जो भी हमारा श्रमिक भाई नया यदि हमारी पंजीकरण कराता है तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो पंजीकरण के समय ही 1100 रुपए उनके अकाउंट में डालने का काम करती है, हम उनसे कोई शुल्क ले नहीं करें, बल्कि ज्यादा से ज्यादा हमारे भाई हमारी स्कीमों के प्रति हमारे पास आए इसके लिए हम उनको 1100 रुपए प्रोत्साहन राशि देते हैं। वो क्या है, वो सारी चीजें ना ऑनलाइन है, जो आपने डॉक्यूमेंट देखे हो सकता है उन्होंने स्कैन करके अपने पोर्टल पे ले लिए, क्योंकि हमारी जितनी भी स्कीम है सारी ऑनलाइन चल रही है, ऑफलाइन हमारी कोई भी स्कीम नहीं है, कोई भी हम डॉक्यूमेंट जमा नहीं कराते। मैं आपके माध्यम से, सजग भारत के माध्यम से हमारे जितने भी श्रमिक भाई बैठे हैं उनको यही संदेश देना चाहूंगा कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार मजदूरों के हित के लिए अनेक प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, मेरी आपके माध्यम से उनसे यही प्रार्थना है कि ज्यादा से ज्यादा हमारी स्कीमों का लाभ लें ताकि उनका और उनके बच्चों का जो जीवन स्तर है, चाहे वो शैक्षणिक है, आर्थिक है, उनकी पढ़ाई का खर्चा है, वह हम देना चाह रहे हैं तो हमारे से ज्यादा लें। धन्यवाद।